जी आज मार्ग शीर्ष मास के बारे में बात कर रहे हैं। मार्ग शीर्ष महीना, आपने बताया कि भगवान विष्णु ने कहा कि अगर महीने की बात की जाए तो मैं मार्ग शीर्ष हूँ जी, तो इस महीने में ऐसा क्या करें कि विशेष लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल, देखिए मार्ग शीर्ष का महीना बड़ा मूल्यवान महीना है। साधना, जप और तप के दृष्टिकोण से, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अगर आप मार्ग शीर्ष में करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। जैसे अगर आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होना है, कोई मंगल कार्य होना है, और अगर वो मार्गशीर्ष में आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा शुभ होता है। मार्गशीर्ष के महीने में दोनों समय भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, और अगर पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर मिल जाए तो वो स्नान भी इस महीने में करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो मार्ग शीर्ष के महीने में संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से मिलता है। इस महीने में संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व बरसता है ऐसा माना गया है, इसीलिए मार्गशीर्ष में रात को साधना करने की बात की जाती है ताकि चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति हो सके। मार्गशीर्ष में आप भगवान का नाम जितना लेते हैं, जितना कीर्तन और भजन करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो मार्गशीर्ष के महीने में भगवान का भजन, भगवान के नाम का जप और कीर्तन बड़ा फल देता है, बड़ा शुभ फल देता है। एक महत्वपूर्ण बात और आप जान लीजिए कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का जो उपदेश दिया था वो मार्गशीर्ष के महीने में ही दिया था, इसीलिए इस महीने में गीता जी का पाठ करना, गीता जी की पूजा करना और गीता का स्वाध्याय करना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मार्गशीर्ष में देखिए दो तीन चीज़ों की महिमा ज़्यादा है। एक तो भगवान कृष्ण की उपासना, दूसरा गीता का पाठ करना, और तीसरा पवित्र नदियों में स्नान करना। अगर मार्गशीर्ष के महीने में आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मंगल होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।